अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 साइज एनलार्जमेंट कैन 1104 पार्टिकुलेट नॉलेज में बात करेंगे। साइज एनलार्जमेंट का जो टॉपिक है ऑलरेडी हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, आज हम फर्दर एग्लोमरेशन को कुछ तफसील से देखेंगे। आज के लेक्चर में हमारे जो कॉन्टेंट्स हैं उसमें दोबारा मैं कुछ बच्चों ने मुझसे जो है सवाल किया है कि यूनिट ऑपरेशंस ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो चार्ट है मैं उनसे शेयर करूं, मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ साइज एनलार्जमेंट, एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन इन नेचर, बेनिफिट्स ऑफ एग्लोमरेशन, कोल एग्लोमरेट्स, स्वीट चीज एग्लोमरेट्स, मीट बॉल एग्लोमरेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेट्स एंड ग्रैनुलेट्स, एग्लोमरेशन और पोरोसिटी की जो रिलेशनशिप है, benefits of porosity in agglomeration, disadvantages of porosity in agglomeration, unwanted agglomeration, different types of pellets and granulates, applications of agglomeration other than size enlargement, recommended books. Unit operations of mechanical process engineering जो particular technology का एक अलग से दूसरा नाम है, ये चार्ट में आपको कई दफा ऑलरेडी पहले मैं आपको दिखा चुका हूं। हम जब बात करते हैं अपने यूनिट ऑपरेशंस की तो बेसिकली हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में ये चार मेजर यूनिट ऑपरेशंस हैं, जिसमें मैकेनिकल सेपरेशन, पाउडर मिक्सिंग, साइज रिडक्शन और साइज एनलार्जमेंट है। अच्छा, अब अगर आप साइज रिडक्शन को देखें तो उसमें आपने जो सॉलिड पार्टिकल से उनका साइज रिड्यूस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स यूज करके, तो साइज एनलार्जमेंट जो है बेसिकली साइज रिडक्शन का अपोजिट है। साइज एनलार्जमेंट में आप स्मॉल साइज जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसका साइज जो है एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जिस तरह साइज रिडक्शन में जो मेजर आपने चीज यूज की थी वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग थी, इसी तरह साइज एनलार्जमेंट में जो सबसे मेजर ऑपरेशन है साइज एनलार्जमेंट के लिए वो एग्लोमरेशन है। अच्छा, अब ये जो चार आपको मैंने यूनिट ऑपरेशंस बताए हैं मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में, इन चारों यूनिट ऑपरेशंस को जो चीज कवर करती है वो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ बल्क मटेरियल्स करती है। जब हम अपने एग्लोमरेशन का टॉपिक खत्म कर लेंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ बल्क मटेरियल्स पर भी डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो देखें आपके पास जो ये दो यूनिट ऑपरेशंस हैं पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में, जैसे मैकेनिकल सेपरेशन और पाउडर मिक्सिंग, इन दो यूनिट ऑपरेशंस के दौरान किसी किस्म का कोई पार्टिकल साइज चेंज नहीं होता। जब सेपरेशन हो रही है आप बेसिकली पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस नहीं कर रहे, आप जस्ट जो है पार्टिकल्स को जो है उनको अलग कर रहे हैं एक दूसरे से, आप उनका पार्टिकल्स के साथ कुछ नहीं कर रहे, पार्टिकल्स का ना ही साइज बढ़ रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। पाउडर मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में भी ऐसा ही है, जैसे आप देखिए कि आप दो मुख्तलिफ किस्म के पाउडर्स हैं अगर उनको मिक्स करते हैं या तो उस दौरान आप उनका पार्टिकल साइज चेंज नहीं कर रहे, जस्ट आप मिक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप साइज रिडक्शन की बात करते हैं या साइज एनलार्जमेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइज रिडक्शन के अंदर हम अपना पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब है देयर इज अ चेंज ऑफ पार्टिकल साइज। इसी तरह साइज एनलार्जमेंट में आप पार्टिकल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट मींस देयर इज अ चेंज ऑफ पार्टिकल साइज। अच्छा, फिर अगर आप इन दो चीजों को देखें तो ये जो दो ऑपरेशंस हैं इनमें सेपरेशन का बहुत ज्यादा अमल है। मिसाल के तौर पर मैकेनिकल जो सेपरेशन है वो तो होती ही सेपरेशन बेस्ड है, लेकिन साइज रिडक्शन में जब आप प्रोडक्ट जो ऑब्टेन कर रहे होते हैं वो आपका जो प्रोडक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन आप उसको हासिल कर सकते हैं, वरना आपका प्रोडक्ट जो है उसके अंदर ओवरसाइज, अंडरसाइज, सारे किस्म की फ्रैक्शंस जो हैं वो मिक्स होंगी, हमें नहीं चाहिए वो फ्रैक्शंस, तो हम जो प्रोडक्ट हासिल करते हैं उस प्रोडक्ट को आप सेपरेशन के जरिए हासिल करते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास जो साइज एनलार्जमेंट या पाउडर मिक्सिंग है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो आपको एक कॉम्बिनेशन मेथड के जरिए हासिल करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो पाउडर्स को कंबाइन किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, और साइज एनलार्जमेंट में इसी तरह आप पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं डिफरेंट मेथड्स की मदद से
और उनकी कॉम्बिनेशन से आपको एक लार्जर साइज पार्टिकल्स हासिल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अच्छा, हमने जो है एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन में देखिए कि जिस तरह आपने साइज रिडक्शन साइज एनलार्जमेंट में उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। हम लोगों ने साइज रिडक्शन के तो एडवांटेजेस देखे थे किस तरीके से हैं, लेकिन मैंने अभी तक साइज एनलार्जमेंट के एज सच एडवांटेजेस पर बात नहीं की। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इम्प्रूव हैंडलिंग और फ्लोएबिलिटी है। इम्प्रूव हैंडलिंग कैसे, जरा देखिए आपके पास अगर बल्क सॉलिड्स हो, हम बल्क सॉलिड्स पर डिटेल से बात कर सकते हैं, जैसे आटा है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बल्क सॉलिड, तो बाज औकात जो इस तरह के आपके पास बल्क सॉलिड है उनकी हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाती है उनकी, तो आप उसको जो है अगर किसी बड़े लार्ज पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर लें तो आपको उसकी हैंडलिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किलात आसान हो जाती है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल तूड़ी या हे डस्ट है। आप देखिए कि जो आपको गंदम से आपको जो तूड़ी मिलती है, आपके पास देखा होगा कि सड़कों पर जा रही होती है, जो ट्रक बड़े बड़े ट्रक इसको लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो सड़कों पर ये उड़ती जा रही है, डस्ट भी फैला रही है और साथ साथ उसकी हैंडलिंग बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको कॉम्पैक्ट करके उसकी बेल्स बना लें इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मली, अगर आप उसकी स्क्वायर बेल्स बना लें, उनको स्टोर करना, उनको हैंडल करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो साइज एनलार्जमेंट की मदद से जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको आप इम्प्रूव्ड मेथड्स के जरिए आप उनकी हैंडलिंग कर सकते हैं, उनकी जो हैंडलिंग होगी वो आसान हो जाएगी, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी तरह साइज एनलार्जमेंट जो है वो फ्लोएबिलिटी पर भी असर अंदाज होता है। किस तरह, जरा इसको देखते हैं। देखिए अगर आपके पास पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा हो, अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा हो जैसे कि पाउडर हो, तो पाउडर के अंदर अगर ह्यूमिडिटी आ जाए तो देयर इज मच ग्रेटर चांस कि आपका जो वो प्रोडक्ट है जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है उसके अंदर किसी किस्म की कोई कंसोलिडेशन हो जाएगी। कंसोलिडेशन का मतलब है कि वो कोई जम जाएगा, उसके अंदर केकिंग हो सकती है। जैसे उसके अंदर आप देखिए चीनी अगर आपके पास पड़ी हो तो चीनी के आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत नमी आ जाए तो उसमें चीनी के डल्ले बन जाते हैं। आप उसको अगर वो चीनी के आप वो लार्ज साइज जो लंप्स हैं उनको देखिए तो बेसिकली आप कहते हैं यार ये चीनी खराब हो गई है, उसको कोई खरीदेगा नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो अपनी मार्केट वैल्यू लूज कर जाएगा। फिर इस तरह का जो प्रोडक्ट है, देखिए अगर आपके पास कोई मिल लगी हुई है, आपके पास कोई साइलो है और उसका जो डाया है एक यूनिफॉर्म डाया से आपके पास पाउडर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है जिसको आप आगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पे यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह के लंप्स बने होंगे तो आपका वो जो पाउडर है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो फिर प्रॉपरली जो है उसमें से नहीं डिस्चार्ज हो सकेंगे और आपकी जो सॉलिड्स है उसकी फ्लोएबिलिटी मुतासिर हो जाएगी। खास तौर पर प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर जहां जहां आपके पास इस तरह के पाउडर्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उसके डिस्चार्ज पर अगर आपके पास, क्योंकि जो उसका डाया होगा डिस्चार्ज का वो एक यूनिफॉर्म डाया होगा, उसके अंदर अगर जो है आपके पास पाउडर के हिसाब से डाया बनाया होगा, लंप्स के हिसाब से नहीं बनाया होगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिस्चार्ज की फ्लोएबिलिटी है वो बड़ी सख्त मुतासिर हो सकती है। इसी तरह देखिए कि साइज एनलार्जमेंट के जरिए आप जो डस्ट है या मटेरियल लॉस है उसको कंसिडरेबली रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने अभी आपको हे डस्ट या तूड़ी की मिसाल दी थी किस तरीके से अगर आप उसको कॉम्पैक्ट करके बेल्स बना लें, उसकी अगर आप उसकी बेल्स बना लें तो आप उसको बहुत आसानी के साथ जो है आप उसकी जो उड़ने वाली डस्ट है उसको रोक सकते हैं, आपकी तूड़ी उड़ के जाया नहीं होगी। क्योंकि देखिए अगर वो आप उसको प्रोडक्ट के तौर पर बेच रहे हैं तो आपके पास अगर जो है थोड़ी सी भी आप उसकी बचत कर सकते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो आपका जो माहौल है वो भी आलूदा होने से बच जाएगा। इसी तरह देखिए जो साइज एनलार्जमेंट का एक और एडवांटेज है वो आप ये कि आप कोई यूजफुल स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बना सकते हैं। मसलन किस तरीके से, देखिए कि आपके पास जैसे मैंने आपको मिसाल दी, ये अभी हे डस्ट की तूड़ी की मिसाल दी थी कि किस तरीके से जब आपने उसकी बेल्स बनाई है तो चकोर बेल्स बनाने की मदद से आप उसको एक जो है यूनिफॉर्म शेप दे सकते हैं जो कि स्टोरेज के अंदर बहुत ज्यादा आसान होगी। जबकि आपके पास देखिए अगर वो फैली हुई लूज पड़ी हुई होगी
तो उसकी स्टोरेज आपको मुश्किल होगी, उसकी स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह आप देखिए कि आपके पास, अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल दूंगा तो आप उसमें देखिएगा कि जब आप कोई एग्लोमरेट बनाती हैं तो एग्लोमरेट की अगर आप कोई डेफिनेट शेप दे दें तो उस शेप से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटेबिलिटी बड़ी इंक्रीज कर जाती है। एक मिसाल दूंगा, जैसे आपके पास गुलाब जामुन या रसगुल्ला है, बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ चीज, या आपके पास पनीर की एक शाम है, तो आपके पास जो इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्टिकल्स है आपने उनको कलेक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, एक बड़ा सा आपने एग्लोमरेट बना लिया जिसको हम रसगुल्ला कह रहे हैं। इस एग्लोमरेट को अगर आप देखिए, इसकी एक खास स्ट्रक्चरल फॉर्म है कि अगर आप सर्व करना चाहते हैं उसकी सर्विंग बड़ी पॉसिबल है, आपको जो है वो अट्रैक्टिव भी लगेगी, आप उसको जो है एक्चुअली उसको देख भी सकेंगे, उसको मार्केट करना भी आसान होगी। तो आप एक्चुअली साइज एनलार्जमेंट के जरिए यूजफुल जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनको डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह एनहांसिंग अपीयरेंस, जो साइज एनलार्जमेंट के जरिए आपके अगर कोई बहुत स्मॉल माइन्यूट कोई पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को आप कोई अपीयरेंस उसकी इनहांस कर सकते हैं, उनका साइज बड़ा करके आप उसको डेफिनेट शेप देके आप उसका साइज इनहांस कर सकते हैं। जैसे आपके पास लेट्स से अगर डस्ट पार्टिकल्स है आपके पास, वो आपको पता नहीं चल रहा कि वो कैसी है। आप देखिए मिसाल के तौर पे चीनी, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में आपको चीनी में हम प्रोवाइड करें तो आपके पास वो कहेंगे कि यार नहीं, ये तो जो है पाउडर है, पता नहीं दो नंबर है, इसमें आटा मिला हुआ है, मैदा मिला हुआ है, कुछ चूना मिला हुआ है, हमें नहीं पता इसमें क्या चीज़ मिली हुई है। लेकिन अगर हम जो है उसके ऊपर कोई एग्लोमरेशन का प्रोसेस लगाकर उसको जो है हम उसका साइज बड़ा कर लें तो वो उसकी जो अपीयरेंस है वो एनहांस कर जाएगी। तो ये एक्चुअली ऐसी चीनी आपको मिलती भी है, हमारे पास पाकिस्तान में तो ये इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इस तरह बाहर के ममालिक में उन्होंने चीनी को जो है वो एज अ पाउडर वो बनाकर, उसको एज अ क्रिस्टल नहीं बनाते, उसके जो पाउडर है उस पाउडर को फिर वो जो है कंप्रेस करके छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स की शक्ल दे देते हैं। सो वन सच क्यूब इज लाइक अ वन स्मॉल टीस्पून, तो आपके पास वो जो टीस्पून है तो आप जस्ट उस क्यूब को पकड़ के अपनी गर्म चाय में डाल देते हैं, तो दैट मीन्स यू हैव एडेड वन टीस्पून ऑफ शुगर। और वो जो क्यूब है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपीयरेंस है उससे, और आप उसको जो है एक डब्बे के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और उसकी हैंडलिंग भी आसान है, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेसिकली चीनी आपको नजर भी आ रही होगी कि कितने, अगर आपके पास जार में पड़ी हुई है आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कितने टीस्पून है, लेकिन अगर वो डब्बों की शक्ल में स्क्वायर की हालत में वो चीनी मौजूद है तो आप उसको बड़ी इजीली उसको गैस कर सकेंगे, हाँ ये जो है कितने टीस्पून इसमें चीनी मौजूद है। अच्छा, जैसे कि ऑलरेडी मैं ये आज के लेक्चर में शुरू में आपको जब स्लाइड दिखाई थी मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग वाली, उसमें ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एग्लोमरेशन जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फोर मेजर यूनिट ऑपरेशंस ऑफ पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो साइज एनलार्जमेंट है बेसिकली साइज रिडक्शन का ऑपोजिट है, उसके अंदर जो मेजर चीज है वो मेजर जो प्रोसेस है वो एग्लोमरेशन है, एंड एग्लोमरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फोर मेजर यूनिट ऑपरेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग और पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी। एग्लोमरेशन में ऑलरेडी होता क्या है, बेसिकली एग्लोमरेशन इज जस्ट स्टिकिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू वन अनदर। जब आपके सॉलिड पार्टिकल्स, इसमें लिक्विड का कोई चक्कर नहीं है, आप देखिए इंडिविजुअली शुरू में बेसिकली आपके पास कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक करके आप उनका साइज बड़ा कर रहे हैं, या आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो किसी और लार्जर सॉलिड सरफेस के साथ अटैच कर रहे हैं जिसकी मदद से आपके एग्लोमरेट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं और आपके पास कोई एग्लोमरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। अच्छा, एग्लोमरेशन में बेसिकली किया क्या जाता है, सिंपली आप जो है पार्टिकल्स को जमा कर लेते हैं, पार्टिकल्स को कंबाइन कर लेते हैं ताकि आप बड़े प्रोडक्ट्स बना सकें जिनका एक न्यू पार्टिकल साइज होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स मौजूद हैं या आपके पास दो से ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका साइज काफी छोटा है, अगर आप उन छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को कंबाइन कर लें उनको जो है ताकि आप एक बड़ा प्रोडक्ट बना सकें, तो आपके पास जो नया बड़ा प्रोडक्ट बनेगा वो उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो एनहांस होगा एज कंपेयर टू द इनिशियल पार्टिकल साइज।
ये हम अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो एग्लोमरेशन है बेसिकली इसके जरिए आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जो है बना सकते हैं। एग्लोमरेट्स की जो मुख्तलिफ अकसाम है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, मसलन ग्रैनुल्स मैंने आपको बताया था जैसे यूरिया के ग्रैनुल्स हैं, टैबलेट्स मैंने आपको बताई थी कि टैबलेट्स जैसे कि आप जो मेडिसिन की गोलियां ये एस्पिरिन वगैरह इस तरह की जो पैरासीटामोल ये आप जो मुख्तलिफ किस्म की आप जो गोलियां इस्तेमाल करते हैं पैनाडोल वगैरह की वो सारी की सारी टैबलेट्स हैं। जो ब्रिकेट्स हैं बेसिकली जो ब्रिकेट्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ टैबलेट्स बट दे आर मोर जो है एलोंगेटेड फॉर्म, जैसे मैंने आपको ऑगमेंटिन की एक मिसाल दी थी तो वो इस तरह की आपके पास वो ब्रिकेट्स हैं। जो एक्सट्रूडेट्स हैं, एक्सट्रूडेट्स बेसिकली क्या है कि जिनको आप मशीन के जरिए से एक्सट्रूड करते हैं, बेसिकली आप जैसे कीमे वाली मशीन के अंदर गोश्त डालकर एक लंबी लंबी सेवैयां बना लेते हैं, तो आप इसी तरह अगर आपके पास कोई चावलों के अगर आप नूडल बना रहे हैं या आप इस तरह के कोई छोटे पार्टिकल आटे वगैरह को आप इस तरह करके कोई उससे कोई नूडल बना रहे हैं तो वो जो चीज है दीज आर एक्सट्रूडेट्स। पैलेट्स, हमने डिफरेंट किस्म के पैलेट्स देखे थे किस तरीके से आपके पास डिफरेंट मिनरल पाउडर्स थे जिनको कंबाइन करके थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह करके आप उनको पैलेट्स की फॉर्म दे देते हैं, उनको कोई डेफिनेट शेप दे देते हैं और वो जो डेफिनेट शेप मिल जाती है उससे हैंडलिंग जो है काफी ज्यादा आसान हो जाती है। ब्रिक्स जैसा कि ईंटें हैं ये भी हमारे पास एग्लोमरेट्स हैं। कॉम्पैक्ट, इसी तरह अगर आपके पास कहीं कोई कॉम्पैक्ट है, मिसाल के तौर पर देखिए कि आपके पास ये जो लंडे बाजार वाले कपड़े होते हैं बेसिकली ये जो कपड़े हैं आपके पास ये जब बाहर के ममालिक में जमा किए जाते हैं तो बेसिकली जमा करने के बाद उनको बड़ी बड़ी कॉम्पैक्टर्स मशीनों के जरिए कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है और कॉम्पैक्ट करने के बाद उनको 100-100 किलो की जो है आप उनको ढेरियों में बना लेते हैं ताकि उसकी हैंडलिंग आसान हो जाए। उसके बाद ये ढेरियां पैक करके बाहर के ममालिक भेज दी जाती हैं, जो जो ये खरीदते हैं बल्क में उसके बाद उसको वो खोल कर उसे पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। तो बेसिकली जो कॉम्पैक्टिंग है आपके सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। आप ये देखिए कि जब रेत पड़ी होती है तो रेत को भी वो दबा दबा कर आपके साथ जब रेत रखी होती है उसको दबा के ताकि उसकी डेफिनेट शेप बन जाए तो आप उसको रख लेते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। जो कॉम्पैक्टिंग का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा कॉमन है हमारी डेली लाइफ के अंदर। अच्छा, अब बेसिकली जब भी हम साइज एनलार्जमेंट करते हैं तो साइज एनलार्जमेंट के लिए जो मोस्ट कॉमन आपका ऑपरेशन है वो एग्लोमरेशन है। और एग्लोमरेशन के जरिए आप जब कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली इट विल जस्ट हैव लार्जर पार्टिकल डायमेंशन, उसका जो साइज है मिसाल के तौर पर पॉसिबल है कि आपके जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे पार्टिकल्स है आप उस पार्टिकल्स की मदद से कोई स्फेरिकल एग्लोमरेट बना लें, कोई एलोंगेटेड एग्लोमरेट बना लें, कोई क्यूबिकल बना लें, कोई ट्राइंगुलर बना लें, आप किसी किस्म की कोई लार्जर लाजमन क्या बात होगी उसकी लार्जर डायमेंशन होगी, उसका डाया ज्यादा हो सकता है, उसकी हाइट ज्यादा हो सकती है, उसकी जो डायमेंशन है वो लाजमन ज्यादा होगी। अच्छा, जो एग्लोमरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्लोमरेशन आप अपने जो एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट है उसकी सिर्फ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी जो फीड पार्टिकल से या इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल से उससे वो चेंज होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, जैसे मैंने आपको भी मिसाल एक दी थी कि वो चीनी के क्यूब्स से बना लेते हैं, अब उससे चीनी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर जो चीनी के अंदर जो आपके पास ग्लूकोज है फ्रक्टोज है आपके पास तो वो बेसिकली आपके पास जो सुक्रोज है वो उसके अंदर वो जो चीज है वो उसकी कोई केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाएंगी, जस्ट उसकी आपने फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दी है, उसकी जो फिजिकल जो है वो चेंज की है आपने, उसका साइज चेंज कर दिया है लेकिन जो बाकी उसकी केमिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो ऑल सेम रहेंगी। अच्छा, एग्लोमरेशन सिर्फ हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन नहीं है, एग्लोमरेशन जो है नेचर में भी बहुत ज्यादा कॉमन है। नेचर में किस तरीके से कॉमन है कि अगर आप ये देखिए कि आप लोगों ने शायद इस तरह का कीड़ा देखा होगा, इसको हम जो है स्क्रेबियस ये किस्म है स्क्रेबियस साकर, इसको इसको बास किताबों में स्क्रेबियस सेकर भी कहते हैं, ये हमारे देहातों में इसको गूं वाला कीड़ा कहते हैं, बड़ा मशहूर कीड़ा है। बेसिकली क्या करता है
कि ये आपका जो गोबर है, जो एनिमल डंग है, उस डंग को कलेक्ट करके इस तरह की एक बॉल सी बना लेता है राउंड कर करके, दिस इज एग्लोमरेशन। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको वो यूज करता है फीड देने के लिए, इसको यूज करता है इसके अंदर वो अंडे देने के लिए। तो ये आप देखिए कि आपके पास बेसिकली जो स्क्रेबियस आपके पास साकर या स्क्रेबियस सेसर जो आपके पास है, बेसिकली ये जो इंसेक्ट है गू वाला कीड़ा जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये 25 to 30 mm लॉन्ग होता है, लेकिन जो इसका पैलेट है, जो बेसिकली आपके पास ये जो इसके साथ वो बना रहा है एक रोल करके, वो आपको जो एक यहाँ पर एग्लोमरेट दे रहा है, वो एग्लोमरेट जो है उससे डबल ट्रिपल बल्कि समटाइम्स इट इज ऑलमोस्ट 4 times इट्स साइज। तो ये नेचर के अंदर भी एग्लोमरेशन का जो प्रोसेस है ये एविडेंट है इस इंसेक्ट्स की जरिए। अच्छा जी, एग्लोमरेशन के क्या बेनिफिट्स हैं अब हमें, कि हमारे पास एग्लोमरेशन से कुछ और एडवांटेजेस की हमने जनरल बात की थी, कुछ स्पेसिफिक हम बेनिफिट्स देखेंगे कि एग्लोमरेशन किस तरीके से हमारी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद देता है, उसको जरा देखते हैं। देखिए कि आपके पास बेसिकली जो एग्लोमरेशन है उसको आप यूटिलाइज करते हैं ताकि आप जो पार्टिकल्स हैं आपके उनकी एक कंट्रोल्ड किस्म की एनलार्जमेंट कर सकें। उसका मकसद क्या है, ताकि आपके जो इंडिविजुअल ओरिजिनल पार्टिकल्स हैं उनकी पाउडर प्रॉपर्टीज को आप इम्प्रूव कर सकें और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें। मसलन कैसे, जैसे मैंने आपको अभी एक चीनी की मिसाल दी थी, या आपने यूरिया ग्रैनुल्स देखे थे कि यूरिया ग्रैनुल्स जब आप वो बना रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट आपके पास वो यूरिया ही है, सेम प्रोसेस है। यूरिया बनाने के लिए आपने जस्ट उसके अंदर एक ग्रैनुलेटर एंड में ऐड करके ग्रैनुल्स बना लिए, लेकिन ग्रैनुल से अब आप कह सकते हैं कि भाई हमारा स्फेरिकल प्रोडक्ट है, या आपके पत्तों को डैमेज नहीं करेगा, आपके पत्तों को जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपके एफिशिएंटली आप इसको जो है खेतों में यूज कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको एनहेंस कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है उसको एनहेंस कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट की जो पाउडर प्रॉपर्टीज हैं आपके प्रोडक्ट की वो आपने इंक्रीज कर दी है। पाउडर प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, कि उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके अलावा उसकी कोई, देखिए जैसे मैंने अभी आपको आज बताया था कि पाउडर्स के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल्स का साइज छोटा होता जाता है, उसका आपको जो डिसएडवांटेज है वो ये कि उनकी केकिंग जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। आप देखिए कि आपके पास जो आटा होता है, कभी कभार आटा भी बीच में आपके ड्रम में जम सा जाता है, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत नमी एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपके पास जो है जो चीनी के डल्ले बन जाएंगे, नमक के डल्ले बन जाएंगे। जैसे जैसे आपका पार्टिकल साइज छोटा होता जाता है, उस पार्टिकल साइज के छोटे होने से उन सॉलिड्स की केकिंग टेंडेंसी, कंसोलिडेशन यानी कि वो सॉलिड लंप्स बनने की जो टेंडेंसी है, उनके अंदर लिक्विड ब्रिजेस बनने की, कि आपके पास दो जो पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट हुए, फ्यूज हुए और उन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल सा बना लिया, जो कि आपके प्रोडक्ट को आपको बुरा लगता है कि यार ये क्या दाने दाने से अब बड़े बन रहे हैं कुछ छोटे हैं, आपकी जो अपीयरेंस है प्रोडक्ट की वो खराब हो जाती है। तो बेसिकली दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है आपके पाउडर प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल्ड एग्लैमोरेशन कर रहे होंगे, बिल्कुल डिजाइन करके बिल्कुल आप अगर उसको प्रॉपरली डिजाइन करके करेंगे, उससे आपकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो एनहेंस कर जाएगी और आप अपने जो प्रोडक्ट की पाउडर प्रॉपर्टीज है उसको भी आप इम्प्रूव कर लेंगे। ये बात हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं कि हमारे पास जो एग्लोमरेट बनता है, एग्लोमरेट जिन चीजों से बनता है, जिन इंडिविजुअल असली ओरिजिनल सॉलिड पार्टिकल से बनता है, वो ओरिजिनल सॉलिड पार्टिकल्स आपके एग्लोमरेट्स में हूबहू मौजूद होते हैं, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होती। और आप देखिए कि बाज औकात ऐसा होता है कि आपके जो ओरिजिनल पार्टिकल्स होते हैं वो तो अपने ओरिजिनल साइज के साथ मौजूद होते हैं, सिर्फ आप क्या करते हैं कि आप कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म लगाकर या कोई आप एक्स्ट्रा कोई बाइंडिंग मटेरियल यूज करके आप उन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, आप उन पार्टिकल्स को कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो अपनी साइज और शेप को मेंटेन रखते हैं। तो मकसद से समझने का ये है कि आपके पास जो ओरिजिनल सॉलिड पार्टिकल्स हैं
उन पर कोई चेंज इस तरह की नहीं आएगी कि एग्लोमरेट बनने के बावजूद, सिर्फ ये होगा कि आपके अब एक कलेक्टिवली आपका पार्टिकल साइज इंक्रीज कर गया है, जिसकी फर्दर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ऑलरेडी काफी सारी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सॉलिड पार्टिकल से उन पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरा देखिएगा, मिसाल देखिए, यहां पर मैंने आपको कोल एग्लोमरेट शो की है। तो बेसिकली आपके पास जो कोल है, ये पॉसिबल है चारकोल से बनाया है या नेचुरल कोल था, उसकी कोई कोल डस्ट मौजूद थी, उस डस्ट को कलेक्ट करके शायद कोई आपने उसके अंदर लिक्विड वगैरह वाटर ऐड कर लिया हो, तो आपने इस तरह के ये जो है राउंड किस्म के आपने एग्लोमरेट्स बना लिए हैं। अब ये जो एग्लोमरेट्स हैं, दे कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू अगर आप ग्रिलिंग कर रहे हैं, बारबेक्यूइंग कर रहे हैं, उसके लिए यूजफुल हो सकती है। इनको जो है हैंडलिंग करना, प्रोडक्ट को बेचना आसान है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको ये दाने दाने से ओरिजिनल जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअली इसमें नजर आ रहे होंगे, तो उनका जो साइज है, उनकी शेप है, वो चेंज नहीं हुई। एक और एग्लोमरेट देखते हैं। आप सब लोगों ने इस किस्म के जो पेड़े हैं वो खाए होंगे। देखिए, अगर आपके पास ये जो पेड़े हैं, इन पेड़ों के अंदर आपको जो ओरिजिनल जो पेड़ों के जर्रात हैं वो नजर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे जो वो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज और शेप चेंज नहीं हुई। सिर्फ आपने क्या किया है, कोई घी वगैरह करके या आपने दबा कर उन पार्टिकल्स को कलेक्ट करके आपने बाद में उनको शीरे में डिप कर दिया उसका, तो आपके पास वो जो शेप बन गई है, एक बड़ा एग्लोमरेट बन गया है। इसको बेचना, इसको कंज्यूम करना आसान है, उसकी शेप बड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन उसके अंदर आपको जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो अपनी असल शेप के साथ वो नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी तस्वीर और देखते हैं। इसी तरह अगर आपके पास देखिए वही इसी तरह के आपके पास जो रसगुल्ले हो अगर, तो आप उनमें भी ये देख सकते हैं कि आपको जो इंडिविजुअल पार्टिकल, अगर आप गौर से देखिए, आपको अपने इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं वो वैसे के वैसे नजर आते रहेंगे, लेकिन सिर्फ हुआ क्या है कि आपने उनको एक बड़े एग्लोमरेट कलेक्ट करके, दबा कर आपने कॉम्पैक्ट करके आपने एक बड़ा एग्लोमरेट बना लिया है, जिसकी अपनी एप्लीकेशन है कि उसकी अपीयरेंस अच्छी हो गई है। अपीयरेंस के साथ साथ आप उसकी मार्केटेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और साथ साथ आप उसको अब ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। देखिए, आपने बड़ा रसगुल्ला बनाया है, लोग आप गिन के थोड़ी लेंगे, किलो में लेंगे, तो जितना बड़ा होगा वो कहेंगे अच्छा किलो में 10 चढ़ रहे हैं, 20 चढ़ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं। तो बाज औकात जो ये आपका अगर जो प्रोडक्ट है उसका कोई पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज के इनहांस करने से बेसिकली आप अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो सामान है उसको भी बेच पा रहे हैं। इसी तरह ये देखिए कि ये आपके पास मीट बॉल्स हैं, कोफ्ते हैं। बेसिकली अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको ओरिजिनल जो कीमा था आपके पास, ओरिजिनल जो मिंस्ड मीट था, जो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स विजिबल हैं, तो क्योंकि इसमें कुकिंग वगैरह कर दी गई है, तो लेकिन आपके पास जो केमिकल जो चेंज है, अगर आपके पास को अनकुक्ड इस तरह का मीट बॉल है, कोई कोफ्ता मौजूद है, तो उसके पार्टिकल्स की जो साइज एंड शेप होगी वो क्लियरली एविडेंट होगी। सिर्फ आपकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज की गई हैं, लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होंगी। ये एक और मैंने डिफरेंट किस्म के आपको एग्लोमरेट्स शो किए हैं, कि जिस तरह आपके पास ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक मिसाल दी है, सैलेड्स लिखी है। ये सारे याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे आपको पता होना चाहिए किस तरीके से केमिकली इंडस्ट्री के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो ये सैलेड्स बेसिकली दिखाए गए हैं कि आपके पास ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये आप पैलेटाइजिंग करके ये आपने बनाए हैं। तो बेसिकली आप किस तरह, ये एक आपके पास माइक्रो जो पैलेट है ये शो किया गया है, जिसका जो साइज है 500 माइक्रोमीटर से कम है, उसकी कोटिंग वगैरह करके आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कोई आप फर्दर जो है उससे बड़ा लार्ज पार्टिकल साइज बना रहे हैं। इसी तरह ये एक और हमारे पास जो माइक्रो पैलेट है, ये देखिए कि आपके पास लेस देन 500 माइक्रोमीटर था, उसकी ये जो है आपने जब अभी ये कोटिंग नहीं हुई, जब उसकी कोटिंग की गई है तो उसकी किस तरीके से शेप चेंज हो गई है। इसी तरह आपके पास कुछ हम शायद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में आपके पास इंस्टेंट कोल्ड टीज वो अवेलेबल है कि नहीं है। बाहर के ममालिक में आपके पास कोल्ड टी, जिस तरह आपके पास एनर्जाइल वगैरह होते हैं, इस तरह के आपके पास कोल्ड टी मिक्सचर्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं कि आप जस्ट उसको ठंडे या गर्म पानी में मिक्स करें तो आपको जो है रेडी आपको जो है वो टी मिल जाती है। तो वो भी बेसिकली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी एग्लोमरेट्स होते हैं। इसी तरह आपके पास कोई जो एरोमाज हैं, कोई एरोमेटिक आपके पास कोई एसेंस है,
कोई स्मेल टेस्ट स्मेल देने के लिए अपने फूड मटेरियल्स के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास वो भी बेसिकली जो है आपके पास एग्लोमरेट्स हैं। स्वीटनर्स आप ऐड करते हैं अपने खाने के अंदर, स्वीटनर्स आप डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है सीपीटी के अंदर आप पढ़ेंगे स्वीटनर्स। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्वीटनर्स हैं, ये आर्टिफिशियल शुगर्स होती हैं, तो बेसिकली इसके अंदर आपके पास जो आर्टिफिशियल शुगर्स हैं वो भी जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एग्लोमरेट्स की किस्म है। इसी तरह हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स हैं, और फिर जो अमाइनो एसिड वगैरह की जो कोटिंग है आप अपने एनिमल फीड्स वगैरह के अंदर ऐड अप करते हैं। पॉलीमर्स हैं हमारे पास, ये जो पॉलीमर्स हैं आपके पास डिफरेंट किस्म के पॉलीमर्स हैं जिनके ऊपर वो भी एग्लोमरेट्स के जरिए बनाए गए हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स के पाउडर हैं जो कि आप स्प्रे ग्रैनुलेशन करके आपने जो है उनको तैयार किया है। अच्छा जी, आप जरा देखते हैं कि एग्लोमरेशन और जो पोरोसिटी है उसका क्या जो है ताल्लुक है। बेसिकली क्या है कि आपके पास जब एग्लोमरेशन होती है, आप जब जो अपनी कोई एग्लोमरेशन करते हैं तो एग्लोमरेशन के जरिए आपकी जो पोरोसिटी है वो इंक्रीज कर देती है। पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी इज जस्ट द एम्प्टी स्पेसेस, वॉइड स्पेसेस बिटवीन द एग्लोमरेट फॉर्मिंग पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर क्या बात है कि देखिए आपके पास जो कोई इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल्स थे, लेट्स से जैसे मैं आपके पास आटा है, आटे का कोई लंप बना ले, कोई पेड़ा बना लेते हैं आपके पास, लेकिन अगर आपने उसके अंदर कोई और मीडियम यूज नहीं किया, कोई वाटर यूज नहीं किया, जस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं वो जब आपके आप उसको कोई एग्लोमरेट बना लेते हैं तो एग्लोमरेट बनने से उसके दरमियान में जो एम्प्टी स्पेसिस हैं वो बेसिकली इंक्रीज कर जाती हैं, वो जो वॉइडेज हैं, जो वॉइडेजेस हैं, जो एम्प्टी स्पेसिस हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। इसको थोड़ी सी मिसाल आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बेसिकली जैसे जैसे आप अपने पार्टिकल्स का साइज छोटा करते हैं, पार्टिकल्स का साइज छोटा करते हैं तो उससे भी बेसिकली आपकी जो एग्लोमरेशन है वो इंक्रीज होती है। तो आपके पास जो इंडिविजुअल ओरिजिनल पार्टिकल्स हैं या जिसको मैं कह रहा हूँ एग्लोमरेट फॉर्मिंग जो पार्टिकल्स हैं जिनके जरिए आप एग्लोमरेट बना रहे हैं, तो आप जब उन पार्टिकल्स के जरिए एग्लोमरेट बनाते हैं तो एग्लोमरेट बनने के बावजूद जो पोरोसिटी है वो कम नहीं होती, बल्कि वो पोरोसिटी बढ़ जाती है, जो स्पेसिस हैं वो एक्चुअली बढ़ जाती है। अच्छा, आपके पास जो पोरोसिटी बढ़ जाती है, लेट्स से कि एग्लोमरेशन के अंदर जो पोरोसिटी का क्या बेनिफिट है, जरा वो देखते हैं कि हमारे पास क्या बेनिफिशियल है। खास तौर पर आपके जो पोरोसिटी है वो एडवांटेजियस है कि जब आपने कोई डिजाइनर फूड्स बनानी हो, मिसाल के तौर पर देखिए कि आपने लेट्स से कि आपने मिसाल आपको मैं देता हूँ एस्पिरिन की। अगर आपने एस्पिरिन की गोली आप देखें, आप जब वो पानी में ऐड करते हैं, बिकॉज एस्पिरिन इज एन एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट, आपके पास एक टैबलेट है जो कि एग्लोमरेशन के जरिए बनाई गई है, और उस टैबलेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के दरमियान में वॉइडेज ज्यादा है, तो होता क्या है कि जब उसको वाटर मिलता है तो वो आपके जो पार्टिकल्स हैं फौरी तौर पर जो है वो डिसोसिएट होना शुरू कर देते हैं, वो पार्टिकल्स पानी में मिलना शुरू करते हैं। इस वजह से आपकी जो फूड है वो बड़ी जल्दी डिस्पर्स हो जाती है, वो आपके जो है इस तरह के जो खाने हैं जिसके अंदर आप कोई प्रोसेस्ड फूड बना रहे हैं उनके अंदर कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज रख दें, उनको हम डिजाइनर फूड्स से के नाम से याद करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक इंस्टेंट टीज की मिसाल दी थी, या जो एनर्जाइज वगैरह के जो पाउडर है या टैंग वगैरह देखते हैं, इनका जो पार्टिकल साइज है इसको भी बाज़ुकात एग्लोमरेट्स की मदद से आप इनका पार्टिकल साइज इंक्रीज करते हैं, लेकिन इनके दरमियान में वॉइडेजेस हैं, जो वॉइडेजेस बेसिकली इन सॉलिड को इनके हल करने में इनकी सॉलिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है, और वो आपके जो है फूड को इजीली डिस्पर्स कर देती है, इन अनदर मीडियम उसको जो है प्रिपेयर करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम आप अगर एग्लोमरेशन के जरिए कोई पिगमेंट ग्रैनुल्स बना रहे हैं, मैंने पिगमेंट्स का आपको ऑलरेडी बताया था कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो वो अगर आपके पास कोई पेंट इंडस्ट्री के अंदर के लिए आप कोई वो पिगमेंट्स ग्रैनुल कोई पिगमेंट्स के ग्रैनुल्स बना रहे हैं, तो आप अगर आपके पास जो है उसके अंदर जब एग्लोमरेशन करते हैं तो एग्लोमरेशन करने की मदद से वो जो पिगमेंट्स हैं उन एग्लोमरेटेड जो पिगमेंट्स होंगे आपके पास जो ग्रैनुल्स की फॉर्म में,
उनके अंदर जो पोरोसिटी होगी वो पोरोसिटी फिर पेंट्स के अच्छी तरीके से उसको जो आपका सोल्यूशन होगा उसको बनाने में फायदा मंद होगी। पेंट जो है उसकी जो थिकनेस होगी वो इम्प्रूव होगी, पेंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, आपके पास जो है पोरोसिटी का काफी ज्यादा आपको फायदा होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो कैटलिस्ट कैरियर्स होते हैं जब आप उनके ऊपर भी पोरोसिटी का बहुत ज्यादा फायदा होता है। मिसाल के तौर पर कैटलिस्ट कैरियर्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट है ये वो मटेरियल्स हैं जो कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करती हैं विदाउट इट सेल्फ टेकिंग पार्ट। तो वो केमिकल रिएक्शन में खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते लेकिन आपके जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बहुत ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो कैटलिस्ट का है या रोल ऑफ कैटलिस्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो कैटलिस्ट की प्राइस है वो काफी महंगी होती है और कैटलिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कैटलिस्ट को एज सच यूज करना पॉसिबल नहीं होता। बाज़ औक़ात आप कैटलिस्ट की कोटिंग कर देते हैं ऑन सब अदर सबस्ट्रेट मटेरियल। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, जैसे आपके पास देखिए कि कोई बिस्कुट है, उस बिस्कुट के ऊपर अगर आप कोई खास किस्म की कोई क्रीम लगा लेते हैं तो आप ये देखिए कि जिस तरह आप कोन वाली आइसक्रीम है तो उसका अक्सर जो लोग हैं वो नीचे वाला जो उसकी कोन है जो हार्ड सरफेस है बिस्कुट की तरह का उसको फेंक देते हैं, सिर्फ ऊपर वाली आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम जो है अगर आप उसको देखिए तो अगर वो कैटलिस्ट है तो बेसिकली जो नीचे वाली कोन है वो उसका कैरियर है जिसके ऊपर आपने कैटलिस्ट को रखा है उसको सपोर्ट देने के लिए। तो जो कैटलिस्ट कैरियर्स होते हैं ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट द मटेरियल ऑफ द कैटलिस्ट इज नॉट स्ट्रांग इनफ या वो बहुत ज्यादा कीमती है, महंगा है, इसलिए आप कोई और चीप मटेरियल यूज करेंगे जिसको आप जो है कैरियर के तौर पर यूज करेंगे जिसके ऊपर आप कैटलिस्ट की लेयर लगा देंगे उसको फिर प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। जब आपके पास जो कैटलिस्ट का कैरियर है अगर वो कैरियर आपके पास जो एग्लोमरेटेड प्रोडक्ट है तो पोरोसिटी उसके अंदर इसलिए एडवांटेजेस होती है कि उससे आपके कैटलिस्ट का जो कैरियर का जो वेट होगा वो लेस होगा, आप उसकी हैंडलिंग इजी कर लेंगे और साथ साथ आपकी जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी है उसको भी वो इनहिबिट नहीं करेगा। इनहिबिशन क्या कहते हैं, इसको पॉइजनिंग भी कहते हैं, ये सीपीटी में मजीद डिटेल से ये बात आएगी, शायद केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो कैटलिस्ट इनहिबिशन क्या चीज है कि जब कैटलिस्ट पॉइजनड हो जाते हैं या कैटलिस्ट के ऊपर कोई और एक्स्ट्रा कोई मटेरियल कोई और कंटेमिनेशन कोई आ जाती है तो उसकी वजह से कैटलिस्ट अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं या अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल तौर पर इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो जो है आपके पास जो है कैटलिस्ट पॉइजनिंग उसको कहते हैं। तो उस केस के अंदर आपके पास जो है ये प्रॉब्लम वगैरह उसके अंदर आ सकते हैं हमारे पास, लेकिन जब आपके पास जो कैटलिस्ट कैरियर्स है अगर वो प्रॉपरली डिजाइंड है, पोरोसिटी है, वो लाइट होंगे तो उसकी मदद से आपके जो कैटलिस्ट एक्चुअल मटेरियल होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी लाइफ वगैरह ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस बताए थे कि एग्लोमरेशन में किस तरीके से आपको पोरोसिटी के एडवांटेजेस हैं, कुछ पोरोसिटी के डिसएडवांटेजेस भी हैं एग्लोमरेशन में, वो क्या हैं? अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको कैटलिस्ट की एक मिसाल दी थी कि कैटलिस्ट कैरियर्स में तो फायदा है लेकिन फॉर एग्जांपल आप कोई कैटलिस्ट मटेरियल बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग अ काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट फ्रॉम एग्लोमरेशन, तो उस एग्लोमरेटेड कैटलिस्ट प्रोडक्ट के अंदर आपकी जो एग्लोमरेशन है बेसिकली उसकी मदद से जो पोरोसिटी होगी वो पोरोसिटी आपके लिए अनडिजायरेबल है, वो पोरोसिटी आपके लिए नुकसानदेह है। मसलन कैसे, देखिए कि आपको जो कैटलिस्ट मटेरियल होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो नॉर्मली जो कैटलिस्ट होते हैं आप जब यूज करते हैं हमारे पास जो है अमोनिया प्लांट का अक्सर आपके पास जो है प्लाटिनियम रूथेनियम इनके आपके पास जो है वो जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वो जो कैटलिस्ट है उनकी एक्टिविटी को आप 100% नहीं रखते क्योंकि अगर आप 100% रखेंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोलेबल फास्ट हो सकता है। आपने कंट्रोल्ड रिएक्शन करना है विद सफिशियंट टाइम, आपने रिएक्शन को सफिशियंट टाइम देना है, कोई रेजिडेंस टाइम देना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो सके। तो इस वजह से अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा हाईली जो रिएक्टिव मटेरियल होते हैं तो अगर आपके पास जो हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स मौजूद होते हैं उन हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स के अंदर अगर आप कोई प्रेशर एग्लोमरेशन यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर आपको कैटलिस्ट बनाना चाहते हैं जो कैटलिस्ट के लिए जो मटेरियल है वो हाईली प्योर है, हाईली रिएक्टिव मटेरियल है,
और आपने उसको जो एग्लोमरेट बनाया, तो आपने एग्लोमरेट बनाने के लिए कोई प्रेशर एग्लोमरेशन यूज की है, यानी कि जस्ट प्रेशराइज आपने करके उन पार्टिकल्स को कॉम्पैक्ट करके एक शेप बना ली है। तो इसकी मदद से, इस प्रेशराइजेशन की मदद से बेसिकली होगा क्या कि आपके जो रिएक्टिव मटेरियल है उसकी डेंसिफिकेशन हो जाएगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। वजह क्या है? देखिए, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर लगाकर किसी चीज की उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के रिड्यूस करने से देखिए मास तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी चीज का डिनोमिनेटर कम कर देंगे तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करने से उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि जो हाईली रिएक्टिव मटेरियल है वो डेंस होता जा रहा है, वो डेंस होता जाएगा, और आप जो है अगर उसको फिर आप उसको अगर पैसिवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लेट से पैसिवेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको जो है लेस एक्टिव स्टेट में यूज करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज नाउ यू हैव मच मोर डेंस रिएक्टिव मटेरियल इन लेस स्पेस। इसकी वजह से आपके पास जो, अगर आप उसकी जो पैसिवेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके पास जो वो कैटलिस्ट है वो जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम का क्या मतलब है? देखिए, कैटलिस्ट के बारे में हम ये कहते हैं नॉर्मली कि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन होता क्या कि बेसिकली एक प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस के अंदर कुछ चीजें कैटलिस्ट पे ऐड होती हैं, फिर वो रिमूव हो रही होती हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो कैटलिस्ट का जो सरफेस है वो एरोड हो रहा होता है, करोड हो रहा होता है, कैटलिस्ट जो है वो घुल रहा होता है। तो कैटलिस्ट की एक लाइफ है, कैटलिस्ट की एक लाइफ होती है। तो इस वजह से अगर आपके पास वो बहुत ज्यादा कोई हाईली रिएक्टिव मटीरियल था और आप उसको जो है थोड़ा सा जो है पैसिवेशन करके, यानी कि आप उसको थोड़ा सा लेस एक्टिव स्टेट में कंट्रोल्ड रिएक्शन के तौर पर यूज करना चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर एग्लोमरेशन यूज करेंगे तो प्रेशर एग्लोमरेशन की वजह से आपके पास बेसिकली क्या है कि वो उसकी जो डेंसिफिकेशन है वो हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब आपने बहुत सारे पार्टिकल्स के अंदर उनको आपने करीब ले आए हैं। इसी तरह मैंने आज के लेक्चर में कई दफा ये बात रिपीट की है कि आपके पास देखिए कि बाज़ औक़ात जो खास तौर पे मुख्तलिफ किस्म के जो पाउडर्स हैं, बल्क सॉलिड्स हैं, उनके अंदर एग्लोमरेशन का और जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि देखिए, जैसे मैं आपको चीनी की मिसाल दी थी, चीनी पड़ी पड़ी वो जम गई है, रोड़े बन गए, लंप्स बन गए, अनवांटेड है। ये जो अनकंट्रोल्ड बिल्डअप है केक, इसको कहते हैं केकिंग, ब्रिजिंग या लंपिंग, ये आपके लिए अनवांटेड है। अब आपके पास अगर आप चीनी लेने जाओ, मैं आपको 50 रुपए किलो भी वो चीनी दूं जिसके रोड़े बने होंगे, आप कहेंगे पता नहीं कौन सी दो नंबर चीनी है, आप लोग नहीं लेंगे। तो बेशक वो बिल्कुल सही हो, लेकिन देखिए कि आपकी जो प्रोडक्ट की अपीयरेंस अगर चेंज्ड है, अपीयरेंस सही नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। नमक क्या है? देखिए, आप नमक लेना चाहते हैं, अगर उसके बहुत ज्यादा डल्ले बने हुए हैं, आप खुला सर्फ लेना चाहते हैं, अगर उसके अंदर इस तरह की लंपिंग हुई हुई है, ब्रिजिंग हुई हुई है, केकिंग हुई हुई है, आप उस सॉलिड प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। तो ये बेसिकली आपके पास जो एग्लोमरेशन है जो उसके अंदर हुई है, तो ये बेसिकली ये पोरोसिटी की वजह से होती है, कि आपके जो पाउडर्स हैं, बल्क सॉलिड्स हैं, उनके अंदर पोरोसिटी ज्यादा है, और बिकॉज ऑफ हाई पोरोसिटी देयर इज ऑलवेज मच हायर चांस ऑफ अनकंट्रोल्ड बिल्डअप, केकिंग, ब्रिजिंग या लंपिंग। तो दीज काइंड ऑफ स्टेट्स आर अनवांटेड और ये हमें बिल्कुल डिजायर्ड नहीं है। अच्छा, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास जो है जो एग्लोमरेशन की मैंने बात की है, एग्लोमरेशन बेसिकली आप साइज एनलार्जमेंट के अलावा भी सम अदर मेथड्स में यूज करते हैं। इसका क्या फायदा है हमारे पास? खास तौर पर देखिए, आपके पास अगर कोई पार्टिकुलेट सॉलिड्स हैं और आप उन पार्टिकुलेट सॉलिड्स के अगर सर्फिसिस को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उनके सर्फिसिस को जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके सर्फिसेस के अंदर कोई स्पेशल किस्म की कोई प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं, उस वक्त आप जो है एग्लोमरेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मकसद साइज एनलार्जमेंट नहीं होगा। आप एग्लोमरेशन तो कर रहे हैं, बट योर मेन टारगेट इज नॉट द साइज एनलार्जमेंट इटसेल्फ, बट यू जस्ट वॉन्ट टू मॉडिफाई द सर्फेस ऑफ द सॉलिड। इसकी सबसे जो बड़ी मिसाल है वो ये है कि देखिए कि आपके पास जो मेडिसिन होती हैं, हम लोग जो टैबलेट्स यूज करते हैं, आप कभी कभार ये गोलियों को देखें तो उसके ऊपर आपने देखा होगा, गोलियों के ऊपर एक आपको जो है एक शाइनिंग सी लेयर नजर आ रही, जो मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, एक आपको शाइन कोटिंग सी नजर आ रही होती है। बेसिकली आप जो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके अंदर जो मेन जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है
उसको हम API या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। वो इंग्रेडिएंट आपके पास बहुत थोड़ी मिकदार में होता है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द जो टैबलेट होती है वो आप कोई इनर्ट मटेरियल यूज करके, कोई फिलर आप यूज करते हैं। फिलर का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी वो गोली को कोई वजन बनाने के लिए, कि आपके पास एक्टिव जो मटेरियल होगा वो थोड़ा होगा, कोई वजन देने के लिए आपको, कोई तो सपोर्ट करने के लिए एक्टिव मटेरियल को आप वो फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, जैसे आपके पास आप कभी कभार दवाई खाते हैं तो कुछ दवाइयों की हदायत होती हैं, आधा घंटा खाने से पहले, आधा घंटा खाने के बाद या खाने के साथ। मकसद क्या है उसका? मकसद ये है कि दिस ऑल डिपेंड्स कि आपके पास वो जो मेडिसिन थी उस मेडिसिन को आप किस जगह पर अपना एब्जॉर्ब कराना चाहती हैं। इफ यू वॉन्ट टू एब्जॉर्ब दिस मेडिसिन इन 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours, आप चाहते हैं कि इसमें से जो API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, अगर वो स्लोली स्लोली रिलीज करे या बड़े इंक्रीज स्पीड के साथ रिलीज करे, इन चीजों पर डिपेंड करता है। आप अपनी जो टैबलेट है उस टैबलेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग कर देते हैं, विच इज काइंड ऑफ एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन के जरिए आप एक्स्ट्रा कोई कोटिंग कर देते हैं, उस कोटिंग की वजह से आपकी जो टैबलेट है उसको थोड़ी सी जो है वो स्टेबिलिटी मिल जाती है, और वो टैबलेट हो सकता है कि आपको जब आप उसको पानी के साथ आपने वो खाई है तो वो आप पानी के साथ हल ना हो जाए, बल्कि वो मेदे में जाके छोटी आंत में या बड़ी आंत में वो टाइम से इजीली जाके वो आपकी हल करे, ताकि आप उसका प्रॉपर एडवांटेज ले सकें। देखिए, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जिनकी आपको यू ऑलवेज नीड स्मॉल अमाउंट, तो आप जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसकी जो रिलीज होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर वो स्लोली होनी चाहिए, वो फास्टली नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आपकी जो उनकी कोटिंग की गई होगी, वो जो कोटिंग है बेसिकली इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्लोमरेशन, लेकिन उसका मकसद साइज एनलार्जमेंट नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये है कि आप एक फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन ऐड कर रहे हैं सरफेस ऑफ एग्लोमरेट्स के ऊपर, उस टैबलेट के ऊपर एक आपने फंक्शनैलिटी ऐड की है कि अब उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसको आप देर से हजम करें, वो अपना API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जरा स्लोली जो है रिलीज करें, ये उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स होंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट आपके पास उस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई और यूजफुल मटेरियल लगा दें। मिसाल के तौर पर देखिए कि आपके पास जब हम मैंने अभी कैटलिस्ट की बात की थी, तो कैटलिस्ट के लिए जो कैटलिस्ट कैरियर्स हैं वो भी सबस्ट्रेट हैं, जैसे कोन की मिसाल दी थी वो भी सबस्ट्रेट है। तो जब आप कोई इस तरह के एग्लोमरेट्स बना रहे होते हैं कि जिसके अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, कोई सबस्ट्रेट मटेरियल है जिसके ऊपर एक्चुअल मटेरियल आप लगा रहे हैं, और जो मटेरियल आप लगा रहे हैं वो मटेरियल कोई अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में है, कोई अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की शेप में है, वो आप अपने सबस्ट्रेट के ऊपर एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर आप उसको ऐड कर रहे हैं। फिर जब आप लगाते हैं तो आप कोई और बेस मटेरियल ऐड कर देते हैं, कोई बॉन्डिंग मटेरियल ऐड कर देते हैं, ताकि वो जो है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड कर जाए और सबस्ट्रेट मटेरियल के साथ भी बॉन्ड कर जाए। तो बेसिकली इस तरीके के जरिए आप जो कुछ हम डिवाइसेस बनाते हैं उनको आप माइक्रो डिवाइसेस कहते हैं या माइक्रो स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिनको इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन उनका जो मकसद है वो एग्लोमरेशन का, वो इस केस में आपने की तो एग्लोमरेशन है, बट दिस एग्लोमरेशन वॉज नॉट डन टू इंक्रीज द साइज, दिस वॉज नॉट डन फॉर द साइज एनलार्जमेंट, बट वॉज डन टू क्रिएट सम स्पेशल प्रोडक्ट like micro devices or micro structures. So in these kind of cases you have just used ultra fine particles on a substrate, and when a base material has been added, so these all these ingredients will bond themselves and then you will get some other product, but this product is not actually the required size enlargement, but the product was used to but the process was used to create a special product. तो ये कुछ हमने एप्लीकेशंस देखी हैं एग्लोमरेशन की, जिनका साइज एनलार्जमेंट से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो एप्लीकेशन आप कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा, जो कंफ्यूज होने वाली चीज आप लोगों ने नहीं करनी, वो ये है कि मेथड कोई भी हो सकती है। देखिए कि जब आप केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत दफा आप कोई मुख्तलिफ किस्म के मेथड यूज करती हैं। मकसद क्या है? आपका प्रोसेस सेफ होना चाहिए, आपका प्रोसेस रिलायबल होना चाहिए, आपका जो प्रोसेस है ऑपरेटेबल होना चाहिए, आपका जो प्रोसेस है
वो जो है रिपीटेबल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जनाब यानी वो हफ्ते वाले दिन तो प्लांट सही चल रहा है, इतवार वाले दिन वो जनाब खांसना शुरू कर दे या ब्रेकअप हो जाए, पंप खराब होना शुरू हो जाए, वो ड्यूरेबल चलना चाहिए। जो केमिकल इंडस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द केमिकल प्लांट्स आर एक्चुअली रन 24/7, मतलब ये है कि वो आप कॉन्टिन्यूसली उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप उसको वो आपके लिए यूजफुल नहीं होती। तो आप जब कोई प्रोडक्ट कोई प्रोसेस कोई अप्लाई करते हैं अपने यूजफुल के लिए, तो हो सकता है वो प्रोसेस अपने एक्चुअल मेजर मकसद से थोड़ा डिफरेंट हो, इट डजंट मैटर, हमने अपने प्रोसेस को स्मूथ चलाना है, उसको अच्छे तरीके से चलाना है। थैंक यू वेरी मच बेटा। जो आज के लेक्चर की जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी आप लोग, यही बुक्स हैं हमारी कॉमन जो 6 बुक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, उम्मीद है आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे। बेटा अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल asim.ali@kfuei.edu.pk और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। उसके अलावा आप अपने सवाल नोट भी कर सकते हैं, और जब हम अपना लाइव सेशन करते हैं, लाइव सेशन हम लोग जो है सोमवार और बुध वाले दिन हम अपने लाइव सेशन करते हैं 11 से 12:30 बजे, तो आप उस लाइव सेशन के दौरान भी मुझसे वो सवाल आप पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह आप लाइव सेशन में मुलाकात होगी।